इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए कोची में 23 दिसंबर को मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ था। इस नीलामी में आईपीएल की 5 बार की विजेता मुकेश अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस ने एक धासु प्लेयर को खरीदा है, जो आईपीएल के आगामी सत्र में मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की कमी महसूस होने नहीं देगा और क्रिस गेल की तरह खड़े खड़े छक्कों की बौछार करने में महारत हासिल है। मौजूदा समय में मुंबई इंडियंस के खेमे में हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड नहीं है। ऐसे में मुंबई इंडियंस को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो इन दोनों खिलाड़ियों की कमी को पूरी कर सके। ऐसे में मुंबई इंडियंस की यह चाहत अब नीलामी के दौरान पूरी हो गयी है। आईपीएल 2023 के लिए मुकेश अंबानी की मालिकाना हक वाली मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर खिलाड़ी ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन को 17.25 करोड़ की बड़ी राशि में अपने खेमे में किया है। यह कंगारू खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बन चुका है। कैमरून ग्रीन को क्रिस गेल की तरह बिग हिटर बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, जो अपने शानदार बल्लेबाजी के प्रदर्शन के बल पर किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। विस्फोटक बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी करना प्लेयर की ताकत है। आपको बता दें कि जिस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम सितंबर के महीने में भारत दौरे पर आई थी, उस दौरे में खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था। आपको बताते चले कि कैमरून ग्रीन ने टीम इंडिया के खिलाफ 20 सितंबर को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 30 गेंदों पर 61 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे। इसके अलावा पहले टी20 मुकाबले में उन्हें एक सफलता भी मिली थी। इसके बाद सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में कैमरून ग्रीन ने 25 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलते हुए 21 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले थे। इस खिलाड़ी ने अपने भारत दौरे पर अपने बल्ले का लोहा मनवाया था। ऐसे में आईपीएल खेलने वाली कई फ्रेंचाइजी इस खिलाड़ी को खरीदने की फिराक में थी, लेकिन मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने एक तगड़ी चाल चलते हुए इस खिलाड़ी को 17.25 करोड़ रुपए में अपनी पाली में कर लिया। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।